परमेश्वर का सांस महान कार्य करता है. द ब्रेथ ऑफ गॉड डस मार्वलस थिंग्स. इसके लिए हम चाहत रखते हैं कि परमेश्वर उसका सांस फूके मुझ पर और मुझ में. दैट गॉड ब्रीथ इन टू अस एंड अपॉन अस. दैट वी मे बी क्रिएटेड एन यू. वी मे बी रिवाइव्ड एंड रिफ्रेश्ड. नई सिरे से सृजाए जाए, नया जीवन प्राप्त करे. बहुत जो जमाने में बचपन में एक छोटा सा गीत ऐसा गाया करता था मलयालम में. वो एक कविता है, एक गीत भी नहीं है. इन आवर चाइल्डहुड आई हैड हर्ड ए सॉन्ग. नॉट इवन ए सॉन्ग, इट्स रादर ए पोयम. वो मलयालम में है. उनर्विन काट विशु का मनसलीविन देवमे. उनर्विन काट विशु का മനസലീവിന് ദൈവമേ. ഉണർന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ വർണ്ണിപ്പാൻ. ഉണർന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ വർണ്ണിപ്പാൻ. ജാഗ്രതിക്ക് സാസ്ബഹ കരുണമായി പരമേശ്വർ തൂ. ജാഗ്രതിക്ക് സ്വാസ്ബഹ കരുണമായി പരമേശ്വർ തൂ. ജാഗുഡ്കർ തേരേ സന്താൻ മഹിമ കേക വാവനേ. ജാഗുഡ്കർ തേരേ സന്താൻ മഹിമ കേക വാവനേ. നോക്കുക ഈ താഴ്വര ചത്ത അസ്ഥി കൂട്ടങ്ങൾ. നോക്കുക ഈ താഴ്വര ചത്ത അസ്ഥി കൂട്ടങ്ങൾ. ഒക്കെയും ഉണർന്നിടാൻ ജീവശ്വാസമൂതുക. ഒക്കെയും ഉണർന്നിടാൻ ജീവശ്വാസമൂതുക. ഇസ്തരായി ദേഖ് പ്രഭു ഹഡ്ഡി സേ ഭരാ ഹുവാ. ഇസ്തരായി ദേഖ് പ്രഭു हड्डी से भरा हुआ. जी उठे सेना समान जीवन का सांस फूकने से. जी उठे सेना समान जीवन का श्वास फूकने से. जागृति की सांस बहा करुणामय परमेश्वर तू. उनर्विन काटु विशु का मनसलीविन देवा में. ब्रीथ अपॉन योर ब्रेथ ऑफ that I may be created a new and a fresh and walk in the newness of life with abundant life, everlasting life. मुझ पर फूके परमेश्वर का श्वास, इसके कारण मैं नई सिरे से सजाया जाए बहुतायत के जीवन और आनंद काल के जीवन को प्राप्त करकर आगे बढ़ते जाए. दूसरा शमूएल का पुस्तक 22 अध्याय से 16 से 18 तक पढ़ते हैं. सो द बुक ऑफ सेकेंड सैमुअल चैप्टर 22 16 ऑनवर्ड्स. तब समुद्र की दाह दिखाई देने लगी. जगत की नींवें खुल गई. द चैनल्स ऑफ द सी वर सीन. द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लेड बेयर. यहोवा की डांट से और उसके नतनों की सांस की झोंक से हुआ. एट द रिब्यूक ऑफ द लॉर्ड एट द ब्लास्ट ऑफ द ब्रेथ ऑफ हिज नॉस्ट्रिल. ये दाऊद गाते हैं जब दाऊद को परमेश्वर ने सारे दुश्मनों को मरजीत दिलाया. द डेविड कमेमोरेट्स ही रिमाइंड्स हिमसेल्फ ऑफ व्हाट द लॉर्ड हैज डन फॉर इज़राइलाइट्स. एंड ही एम्फसाइज़ेस दैट इट वॉज नॉट जस्ट डन for God's people at the time of Moses, but rather the Lord has done it for him and he continues to do it for his children. Dawood ye geet gaate hue kehte hain Musa ke samay mein Parmeshwar ke chudaye hue logon ke liye sirf Parmeshwar ne uska shwas bhej kar samundar ko dubaga tha. Aaj mere liye kiya hai aur aane wale peedhiyon mein bhi Parmeshwar apne jan ke liye yahi kiya karega. Amen. That is why he is singing this. He says, then the channels of the sea were seen, the foundations of the world were laid bare, and the rebuke of the Lord and the blast of the breath of his nostrils. Yehovah ki daat se aur uske natanon ki saas ki jhok se samundar ki gehraiyan dikhai gaya aur samundar dubaga gaya. Ise hum padhte hain. Usne upar se haath badhakar mujhe thaam liya
और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला. He sent from on high, He took me, He drew me out of many waters. अभी दाऊद हमें विस्तार में यह बात बताता है. हमने पढ़ा निर्गमन के पुस्तक में, हमने पढ़ा कि वहां सूखी जमीन था और उसको ऊपर से वो लोग चल के गए. We read in the book of Exodus that they walked over dry ground. But now David is explaining it. He is revealing the secret. He says such famished people, including such weaklings and infants, and those who were pregnant and old, ऐसे लोग थे उनमें से, शिशु लोग थे, गर्भिणियां थी, बूढ़े लोग थे. कितने सालों से वो लोग मार खाते थे और भूखे रहते थे, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं था. और परमेश्वर के दास कहते हैं, तो स्वर्ग से बढ़ाया गया था. द राइट हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज स्ट्रेच्ड फोर्थ फ्रॉम हेवन, इट कैरीड देम थ्रू. डियरली बिलवड, व्हेन ही सेंड्स हिज ब्रेथ, ही स्ट्रेचेस फोर्थ हिज हैंड. जब उसका श्वास भेजता है, समुद्र को दबाता है. When he prepares the way, he strengthens us. Amen. He sustains us with his right hand. जब वो श्वास भेजता, मार्ग बनाता है, वो हमें बलवंत भी बनाता है उसका दाहिने भुजा से. Amen. That is what the Lord did. He says, ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींच कर बाहर निकाला. This is what he will do, not only for David, but he continues to do it for us. वो सिर्फ दाऊद के लिए नहीं करता, वो हमारे लिए करता है. Hallelujah, hallelujah. उसके श्वास, उसके सांस हमें मार्ग दिखाता है, मार्ग बनाता है, और उसका दाहिने हाथ हमें बल देता है. His right hand strengthens us as his breath prepares the way for us. उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, पर यहोवा मेरा आश्रय था. They confronted me in the day of my calamity, but the Lord was my support. दाऊद कहते हैं, जैसा उस दिन हुआ वैसा ही है. परमेश्वर के जन के पीछे करने के लिए दुश्मन आए थे. I'm reading even 19 so that it's clearer. एक बात बताने के लिए मैं 19वां भी वचन पढ़ता. 19वां वचन में ऐसा लिखा है, दुश्मन जरूर पीछे किए था. द एनिमी विल नॉट गिव अप, ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू चेस अस, बट हालेलुया, परमेश्वर का हाथ हमारे लिए बढ़ाया गया है और परमेश्वर हमारे और दुश्मन के बीच में आ खड़ा रहेगा. द लॉर्ड्स आर्मी विल डिसेंट इन बिटवीन अस एंड द एनिमी, जस्ट एस ही डिड इट विद द आर्मीज ऑफ फैरो. फिरौन की सेना के साथ परमेश्वर ने जो कार्य किया वो आज भी करता है. दुश्मन पीछा करेंगे, दुश्मन लड़ाई के लिए तैयारी से आएंगे. द एनिमी माइट कम फोर्टिफाइड फॉर वॉर, इक्विप्ड फॉर वॉर, बट द लॉर्ड इन हेवन लॉफ्स एट देम. लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर उसको ठट्ठा में उड़ा देंगे. आमेन. बिकॉज द किंग रेन्स फ्रॉम द थ्रोन इन सायन, सियोन की राजगद्दी पे विराजमान राजा राज कर रहा है. वहां से कुछ मारकर हम अय्यूब की किताब में नजर डालते. वी लुक इन टू द बुक ऑफ जोब, द नेग्लेक्टेड बुक. हम लोग ज्यादा उसमें से पढ़ते नहीं है, आज हम दो तीन वचन उसमें से पढ़ते हैं, अय्यूब को कुछ करते हैं. हम 27 पढ़ते हैं, 27वां अध्याय से 3-4 पढ़ता. चैप्टर 27:3-4. माई लिप्स विल नॉट स्पीक फॉल्स, सॉरी, एज लॉन्ग एज माई ब्रेथ इज इन मी एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इन माई नॉस्ट्रल्स. क्योंकि जब तक मेरी सांस बराबर आती है, परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है. मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी. माई लिप्स विल नॉट स्पीक फॉल्सहुड, माई टंग विल नॉट अटर डिसीट, और मैं ना कबड़ की बातें बोलूंगा. लुक एट दिस मैन, आई माइट हैव बीन अफ्लिक्टेड, आई माइट बी फुल ऑफ वूंड्स फ्रॉम द क्राउन ऑफ माई हेड टू द सोल्स ऑफ माई फीट, सर से पैर तक ऐसे घायल है, ऐसे बीमार हूं मैं, फोड़ियां हैं. There are such stinking boils.
But the breath of God is in me. The spirit of God is alive in me. वह पवित्र आत्मा मुझ में जीवित है. मैं गलत शब्द नहीं कहूंगा. बीवी मेरे ऊपर ऐसे प्रभाव डालने का प्रयास करता है. इवन दो माय वाइफ इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस मी एंड माय फ्रेंड्स आर प्रोवोकिंग मी, नॉट ए बैड वर्ड विल कम आउट ऑफ माय माउथ. आमेन. अविश्वास का एक दुष्ट शब्द, एक बेकार शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा. नो बैड वर्ड, नो स्वेयरिंग मेरे मुंह से नहीं निकलेगा. ऐसा कुछ भी गलत शब्द नहीं निकलेगा मेरे मुंह से. अमेल पीड़ित हूं मैं. अमेल आई एम गोइंग थ्रू सच एफ्लिक्शन, सच पेन, सच डिजास्ट्रस टाइम, बट आई रिफ्यूज टू अटर ए रॉन्ग वर्ड. अमेल आई रिफ्यूज टू स्पीक अगेंस्ट गॉड. I refuse to give up hope. मैं आशा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि परमेश्वर का श्वास मुझ में है. The breath of God is in me. I am created in the image and likeness of God. Though I am looking worse than I'm burnt and a torn apart animal. मैं अभी मेरा रूप ऐसा है, जलाया हुआ और फाड़ दिया गया कि जानवर का सा है, तो भी मैं परमेश्वर के रूप सादृश्य में हूं. डू नॉट गो बाय माय एक्सटर्नल अपीयरेंस. हालेलुया. डू नॉट गो बाय माय प्रेजेंट कंडीशन. मेरी जो तात्कालिक जो परिस्थिति है उसका आधार पर नहीं. आमेन. मैं अभी कैसे दिखता हूं उसका आधार पर नहीं है. परमेश्वर का सांस मुझ में है. मैं परमेश्वर के रूप सादृश्य में हूं. सही शब्द मेरे मुंह से निकलेगा. I speak the right word. I speak the right thing. Hallelujah. I speak words of hope. Aasha ki baat mere muh se niklegi. Yeshu ke naam mein amen, amen. Because the breath of God is in me. He breathed into Adam's nostrils. He breathed into mine and thine. Hamare aur aapke nathnon mein Parmeshwar ne uska saans ko phooka hai. He has breathed into you and me. Hallelujah. We are indeed created in the likeness and image of God. As long as the breath of God is in us, as long as the spirit is in us. Ayub hame aise hi andhakar mein chhodna nahi chahta. Isliye kehte parameshwar ka saans hai mere ratno mein aur parameshwar ki atma hai mujh mein. Hallelujah. I have the breath of God in me and I have the spirit dwelling within me. Hallelujah. I will speak the right word. Dearly beloved, when bad words comes out of my mouth, when I swear, when I give gali, mujhe pata chalta hai. हालेलुया. मैं ऐसा गलत शब्द बोलता, गलत बात अगर मुझे मेरा मुंह से निकलता, प्रभु की अद्भुत कृपा से मैं गाली नहीं देता. अगर निकलता तो मुझे सचमुच मालूम पड़ता मैं शैतान का अधीन हूं. आई एम अंडर डिमोनिक कंट्रोल. व्हेन सच वर्ड्स, सच बैड वर्ड्स, सच स्वेयरिंग कम आउट ऑफ माय माउथ, आई डोंट हैव टू गो टू अ प्रॉफिट टू फाइंड आउट वेदर आई एम अंडर डिमोनिक ऑपरेशन. मुझे एक भविष्यद्वक्ता को जाने की कोई जरूरत नहीं है. नहीं तो हमारे मुंह से ऐसे शब्द कभी नहीं निकलता. हालेलुया. कभी नहीं निकलता. परमेश्वर के दास कहते हैं मुझ में पवित्र आत्मा है, इसके लिए कोई कुटिल शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा. आई विल नॉट स्पीक फॉल्सहुड. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. When I hate to tell lies, if I continue to tell lies and I try to cover it up, I know I am under demonic oppression. जब मैं झूठा बदले नफरत करता और मैं झूठी बोलते आजकल और उससे मैं प्रसन्न भी रहता, उसको छुपाने के प्रयास करता, तो मुझे पता चलता कि मैं दुष्ट आत्मा के अधीनता में है, मैं उसके वश में है. जॉब से इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अफ्लिक्शंस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ट्रायल्स, आई रिफ्यूज टू सब्जेक्ट माई सेल्फ टू द एनिमी. इतने सब हो गया तो भी मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा किसका श्वास मुझ में है. आई विल रिमाइंड माई सेल्फ हूज ब्रेथ इज इन मी, हूज स्पिरिट इज इन मी. दिस इज वॉट द ब्रेथ ऑफ गॉड डस. हालेलुया. इट फिल्स माई हार्ट, रूल्स इन माई हार्ट, तो द राइट थिंग्स कम आउट ऑफ माई माउथ. इसलिए सही शब्द निकलता, खोटापन नहीं, झूठापन नहीं निकलता, गंदे बात नहीं कहता मैं. हालेलुया. अगर मैं कहूं तो मैं मुझे पता चलता मैं शैतान का दीन हूं. हाउ मेनी ए टाइम I have enslaved myself to the enemy. I repent, O Lord, I repent. I also, like Job, would like to reassure that no bad word will come out of my mouth. I will not tell lies. Main jhoot nahi bolunga.
मैं गलत शब्द नहीं बोलूंगा प्रभु, ये मेरे हृदय का आग्रह है, पवित्र आत्मा मेरी सफायदा करे। मैं दुश्मन का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता, क्योंकि परमेश्वर का श्वास है मुझ में। बिकॉज द ब्रेथ ऑफ गॉड इज इन मी, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इन मी। हम आगे बढ़ता उसको 32 में से एक दो वचन पढ़ता, 32 चैप्टर 8 एंड 9। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझाने की शक्ति देता है। बट इट इज द स्पिरिट इन मैन, द ब्रेथ ऑफ द ऑलमाइटी दैट मेक्स हिम अंडरस्टैंड। अगर परमेश्वर का सांस मुझ में है, मेरी समझदारी खोल दिया जाएगा। माई अंडरस्टैंडिंग, आईज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग वुड बी ओपन। I will understand the counsel of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई को मैं समझूंगा, मेरे चरवाहा की वाणी मैं समझूंगा। I will recognize the voice of my shepherd. If only I had the breath of God in me. परमेश्वर का सांस अगर मुझ में है तो मेरी समझदारी खोल दिया जाएगा। Hallelujah. When Jesus was speaking with the disciples headed towards Emmaus, their understanding was opened. Not when he was speaking, but when he had broken bread for them. जब एमाउस की ओर जाने वाले चेले लोगों के लिए उसने रोटी छोड़ा। हालेलुया, उसका समझदारी खुल गई। When I have the spirit of God in me, when I have the breath of God in me, my understanding will be opened. मेरे समझदारी खुल दिया जाएगा और मुझ में स्वर्गीय ज्ञान बने रहेगा। आई विल रिसीव विजडम फ्रॉम अबव। जो बुद्धिमान है वो बड़ी आयु के लोग ही नहीं, सॉरी, जो बुद्धिमान है वे बड़ी आयु के लोग ही नहीं, और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होता है। इट इज नॉट द ओल्ड हु आर वाइज नॉर द एज्ड हु अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट। हालेलुया, इतना अच्छी रीति से इंग्लिश में अनुवाद नहीं आया, लेकिन फिर भी ठीक है। वो कहते जो बुद्धिमान होने के लिए उम्र में बड़ा होने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा राज करना चाहिए। इन ऑर्डर टू बिकम वाइज इन द आईज ऑफ गॉड, आई नीड टू हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड रेनिंग विद इन मी। हालेलुया, आई नीड टू हैव द ब्रेथ ऑफ गॉड विद इन मी। परमेश्वर का सांस की जरूरत है हमें, उसके श्वास मुझ में बने रहना है, तब मुझ में स्वर्गीय ज्ञान बने रहेगा। अगर बुड्ढा होने की जरूरत नहीं है, नॉर द एज हु अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, और न्याय के समझने वाले बुड्ढे ही नहीं होते। जरूरी नहीं है कि आई नीड टू बी 120 इयर्स ओल्ड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ गॉड। स्वर्गीय भेद को समझने के लिए हमें 120 वर्ष तक जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन गिवन टू अस। समझदारी की आत्मा परमेश्वर के सांस के द्वारा, थ्रू द ब्रेथ ऑफ गॉड वी हैव रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया, हम समझेंगे। हालेलुया, ब्रीथ इन टू मी, ब्रीथ अपॉन मी, फूक प्रभु मुझ पर, फूक प्रभु मुझ में, फूक प्रभु तेरा सांस भेज, तेरा श्वास भेज प्रभु, जिसे मैं बुद्धिमान हो जाऊं, मैं समझदारी पाऊं। 33वां अध्याय का 4th वचन पढ़ता, 33rd चैप्टर 4th वर्स। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज मेड मी। हालेलुया, द एनिमी माइट हैव ट्राइड टू रैक मी, बट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड हैज मेड मी। दुश्मन मुझे मिटाने का प्रयास जरूर करता होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से मैं बनाया गया हूं। परमेश्वर ने गहरे जल से और अंतकार से मुझे उबारा है। God has pulled me out of pitch darkness and the judgment waters. Hallelujah. The enemy may be after me, but I remind myself that I am created by the breath of God in the image and likeness of God. परमेश्वर के रूप सादृश्य में बनाया हुआ मनुष्य मैं हूं। आमेन।
इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, बड़ी हिम्मत से कहते, सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है, द ब्रेथ ऑफ द ऑलमाइटी गिव्स मी लाइफ। हालेलुया, ही नोस दैट, आमेन, ही इज कैप्ट अलाइव, ही इज सस्टेन्ड बाय द ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के जीवन के श्वास से, आमेन, वो संभाला गया है। दुश्मन ने मिटाने का बहुत प्रयास किया, परमेश्वर ने उनको संभाला, उन्हें जीवित रखा। डियरली बिलवड, दिस इज ट्रू ऑफ अस। हालेलुया, हमारे विषय में ये वास्तव नहीं है क्या? कितने बार हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, मिट गया, परमेश्वर ने संभाल के रखा। ही हैज गिवन मी अनदर चांस, आपके लिए और एक अवसर दिया गया, और एक अवसर दिया गया, हमारे लिए और एक अवसर दिया गया। हम डूबना पड़ेंगे, हम नाश न हो जाएंगे। वी रिफ्यूज टू पेरिश ऑन द वे, वी रिफ्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द एनमी, वी रिफ्यूज टू बी लेड बाय द हैंड्स ऑफ द इविल वन। हम दुश्मन के हाथ से चलाया नहीं जाएगा। हालेलुया, हम दोबारा जिलाया जाएगा, रूप सादृश्य में, परमेश्वर के रूप सादृश्य में हम चलेंगे। वी विल वॉक इन द लाइकनेस ऑफ गॉड, हालेलुया, द इमेज ऑफ द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र के शोभा, हालेलुया, उसके महिमा को धारण कर हम आगे बढ़ते रहेंगे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। हम उसके बाद हम यशया भविष्य तक का पुस्तक में चले जाता। We move on to the book of Isaiah. Read a few verses from the book of Isaiah. यशया भविष्य तक का पुस्तक से हमें कुछ कुछ वचन पढ़ना है। We look into the 11th chapter, 11वां अध्याय में पहले नजर डालता है। इसे के ठूठों में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. लगता था कि ये सारी चीज खत्म हो गया, दाऊद का वंश खत्म हो गया, दाऊद का सिंहासन छीन लिया गया, ऐसा लगता था। He thought that the house of David had long forfeited the throne. And that clan has been wiped away, खत्म हो गया, ऐसे हमें लगता। लेकिन टूटे से एक डाली फूट निकलेगी, there shall come forth a shoot from the stump of Jesse. हालेलुया, टूट जो बचती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, उसमें से देखो एक डाली फूट निकली है। हालेलुया, the true wine has emerged out of the stump of Jesse. From the branch, from the root shall bear fruit. Hallelujah. शाखा निकल कर फलवंद होगी, उसके जड़ में से, amen, वृक्ष दोबारा उगेगी, amen, another plant, amen, another true wine. Hallelujah. Another good olive will take birth. नया जन्म होगा, amen. ए नया olive, एक ताजगी का जैतून वृक्ष, amen. और एक सुंदर दाखलता, आमेन, वहां से उगेगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड। यह है परमेश्वर का सास, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के रूप सादृश्य में। हालेलुया, इट इज द सन हु विल रिवील द फादर, हु इज द एक्सप्रेस इमेज ऑफ द फादर। पिता परमेश्वर की पूरा पूरा महिमा उसमें प्रकट, उसके द्वारा प्रकट होता। पुत्र ने ही पिता परमेश्वर को प्रकाशित करके दिया। He is in the true likeness and image of the Father. पिता परमेश्वर की पूरा पूरा सादृश्य में वो आया है। हालेलुया, उसके रूप सादृश्य में आया है। परमेश्वर का पुत्र आया है, पिता को प्रकाशित करके देने के लिए आया है। उसमें देखो परमेश्वर का सांस है। He has got the breath of God the Father in him. Hallelujah. The spirit of wisdom, the spirit of understanding. Hallelujah. The spirit of the Lord shall rest upon him. The spirit of wisdom and understanding. यही हमने अय्यूब के मुंह से सुना। वी हर्ड इट फ्रॉम द माउथ फ्रॉम द बुक ऑफ जोब, दैट दिस ब्रेथ ऑफ गॉड विल इंपार्ट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया, ये जो परमेश्वर को जो हवा है, जो श्वास है, वो बुद्धिमानी का है, वो समझदारी की है, और बल का है, वो सामर्थ्य का है। हालेलुया, ज्ञान और यहोवा का भय की आत्मा उस पर टेरा रहेगा। आमेन, द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट, यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा।
हालेलुया, वो ईसा परमेश्वर का पुत्र है, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर बने रहेगा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा बने रहेगा। आमेन आमेन। ही शैल हैव द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड द फियर ऑफ गॉड, एंड व्हेन ही ब्रीथ्स इनटू मी, वो मुझ में फूंकता, वही आत्मा को मैं प्राप्त करूंगा। इट इज द सेम ब्रेथ दैट ही विल ब्रीथ अपॉन यू एंड मी एंड इनटू मी एंड यू। हालेलुया, वही श्वास है, बुद्धि की आत्मा, समझदारी की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, सही सलाह की आत्मा, ट्रू काउंसिल, द स्पिरिट ऑफ ट्रू काउंसिल। हालेलुया, द स्पिरिट ऑफ विजडम, द स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर, द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। हालेलुया हालेलुया, मुझ में आएगा, परमेश्वर का सास से होएगा जो परमेश्वर का पुत्र में था। हालेलुया। और आगे पढ़ता, And his delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge by what he see, and decide disputes by what he hears. वो इसे लोगों की तरह नहीं न्याय करेगा, उसमें समझदारी रहेगा, उसमें बुद्धि रहेगा। इसलिए पौलुस पूछते, तुम्हारे बीच में ऐसा कोई नहीं है क्या? इसलिए वो कुरिंदियों को पौलुस पूछते, तुम्हारे बीच में ऐसा कोई अगुआ नहीं, ऐसा कोई प्राचीन नहीं है? There is no one to guide you. There are no elders among you who has got this wisdom and understanding, who can settle disputes. नहीं है क्या? ये आत्मा वो दे देगा। हालेलुया, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से करेगा, पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। With righteousness he shall judge the poor and decide with equality, with equity for the meek of the earth. हालेलुया, वो गरीब के लिए, वो नम्र के लिए, हालेलुया, दीन के लिए न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो कंगालों को न्याय दिलाने वाला है, वो धर्म से करेगा, और पृथ्वी को अपने वचन से, वचन के सोटे से मारेगा। हालेलुया, he shall strike the earth with the rod of his mouth. Sorry, माफ करना, very sorry. He shall strike the earth with the rod of his mouth and with the breath of his lips he shall kill the wicked. अपने फूक से, अपने फूक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। Amen. By the breath of his lips he shall destroy, devastate the enemy camp. दुश्मन का चावनी को उसने ऐसा मिठा दिया है उसके श्वास के सामर्थ्य से, उसके श्वास का झोंके से। आमेन, वो मिठा देता, नम्र लोगों को वो सुरक्षित रखता, न्याय चुकाता। द वेरी सेम ब्रेथ ऑफ गॉड विल एंश्योर जस्टिस फॉर हिज पीपल, विल विंडिकेट हिज पीपल, हालेलुया, एंड विल एवेंज द एनिमी। दुश्मन के ऊपर प्रतिकार, दुश्मन के ऊपर ऐसा वो न्याय करेगा। हालेलुया। He says, "Revenge is mine," says the Lord. "Vengeance belongs to me," says the Lord. Amen. बदला परमेश्वर की ओर से होगी, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। Righteousness shall be the belt of his waist. And faithfulness the belt of his loins, all because of the breath of God in him, all because of the spirit of God in him. Pavitra atma ke karan hai yah. Amen. Parameshwar ke saas ke karan hai. It's because of pneuma, the spirit of God. Hallelujah. Isliye hum pneumatic waise kehte, hawa se chalne wale har cheez ko hum kehte pneumatic instrument hai, pneumatic engine hai, aise hum kehte hain, hawa se chalne wale cheez hai, pneuma, that is the word. यमन भाषा में, ग्रीक में, they use this word for the spirit as well as for the breath. परमेश्वर का श्वास के लिए एक ही शब्द है। हालेलुया, परमेश्वर का श्वास के कारण यह संभव है। यीशु में पिता परमेश्वर का सांस, पिता परमेश्वर की आत्मा वास करता, वही आत्मा मुझ में और आप में वास करता। हालेलुया। हम आगे बढ़ते, वहां से हम तीसरे अध्याय में नजर डालते, वी मूव ऑन टू चैप्टर 30, उसका 28 पढ़ता और उसके बाद 33 भी। His breath is like an overflowing stream that reaches up to the neck. Uski saans aisi umadne wali nadi ke saman hai jo gale tak pahunchti hai. Woh sab jatiyon ko naash ke soup se phatkega. Desh desh ke logon ko bhat khane ke liye unke jabdon mein lagam lagayega. His breath is like an overflowing stream, like a mighty river that reaches up to the neck. To sift the nations with a sieve of destruction and to place on the jaws of the people a bridle that leads astray. Hallelujah.
दुश्मन को ऐसे पकड़कर गुलाम बनाकर खींच कर लेके जाएगा जैसा एलियाह ने किया था कर्मेल के पर्वत पर, जस्ट एस एलाइजा ऑर्डर्ड टू बी डन ऑन द माउंट ऑफ कर्मल, ब्रिंग ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द जेंटाइल्स, ये जाति के सारे नबियों को पकड़ कर लेकर आओ, उसको मैं खत्म करूंगा। द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज अपॉन एलाइजा, परमेश्वर की आत्मा एलिया के ऊपर आया। और यहां कहते वो नदी समान लाइक ए स्वेलिंग रिवर जॉर्डन, मृत्यु के नदी के समान, हमें नदी में जैसा बाढ़ आता जॉर्डन में वैसा बहाव, सच साल बी द डेडली फ्लो That is caused by the breath of his nostrils. उसके नथनों से जो श्वास है उससे वो ऐसे नदी समान बहाएगा और जातियों को नाश कर देगा, हमें दुष्ट का नाश करेगा। उसका 33 पढ़ते हैं, बहुत काल से तोपे तैयार किया गया है, वो राजा ही के लिए ठहराया गया है, वो लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है, वहां की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है, यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। फॉर अ बर्निंग प्लेस हैज बीन प्रिपेयर्ड इनडीड फॉर द किंग, इट इज मेड रेडी, इट्स फायर मेड डीप एंड वाइड विथ फायर एंड वुड इन अबंडेंस, द ब्रेथ ऑफ द लॉर्ड लाइक अ स्ट्रीम ऑफ सल्फर किंटल्स एट। ऐसे दुष्ट राजा के लिए, शैतान के लिए और उसके राजकुमारों के लिए, फॉर द डेविल एंड ऑल द डिमोनिक पावर्स ऑफ डार्कनेस, दिस लेक ऑफ फायर हैज बीन प्रिपेयर्ड, आमेन, एंड इट विल बी केप्ट अब्लेज, हीटेड नॉट 7 times बट 100 times बाय द ब्रेथ ऑफ गॉड्स माउथ, परमेश्वर के मुंह से श्वास से ये भट्टी की अग्नि को ऐसा 7 बार नहीं 100 बार गर्म किया जाएगा, दुश्मन को ऐसे फेंककर जलाने के लिए, निरंतर जलाने के लिए, दैट देयर मे बी बर्निंग इन द हेल फायर, द सल्फर ऑफ द हेल फायर फॉर अनएंडिंग इयर्स, हमें अनंत काल तक वो लोग उधर जलाए जाए, शैतान और उसकी सेना वहां जलाए जाए, उसके लिए परमेश्वर का साथ से, आमेन। You have seen how they blow air to keep the fire burning and fire ablaze. Amen. We have seen how the blacksmiths work. ऐसे लोहे के काम कर, ऐसे करते काम करते हम देखते हैं कैसे वो हवा चलाते तो अग्नि जलता रहता है और लोहे को गर्म करते और उसे हथियार बनाते, कुछ भी बना देते हैं। Hallelujah. This is what the breath of God will do. Amen. The breath of God will be such a pleasant breeze for His people. But it will birth deadly fire for his enemy. दुश्मन के लिए ऐसे वो न्याय का अग्नि को जलाने वाला होगा उसका सांस, लेकिन हमारे लिए एक शीतल वायु होगी। हालेलुया, हम आगे बढ़ते हैं, हम वहां से जाकर 40 में नजर डालता। We look into the 40th chapter and read 23-24. Chapter 40. 40वें अध्याय का 23-24 पढ़ते हैं। जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है, पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है, वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, उनके टूटे भूमि में जड़ ही पकड़ पाते, वो उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़े ले जाती है। Who brings princes to nothing and makes the rulers of the earth as emptiness. Scarcely are they planted, scarcely sown, scarcely has their stem taken root in the earth when he blows on them and they wither and the tempest carries them off like stubble. कभी कभी वो अनुमति देता है दुश्मन को प्रबल होने के लिए, थोड़ा समय के लिए। He allows the enemy to wax strong, to grow in power, and to show his glamour and his influence. थोड़ा उसको प्रभाव दिखाने के लिए, उसको प्रताप दिखाने के लिए परमेश्वर उसको अनुमति देता है, लेकिन वो प्रबल होने से पहले
वो स्थिर बने रहने से पहले परमेश्वर की हवा, परमेश्वर का सांस उसको उड़ा देता है. हालेलुया. दे विल बी ब्लोन अवे बाय द ब्रेथ ऑफ हिज माउथ. ही विल ब्लो ऑन देम एंड दे विदर एंड द टेम्पेस्ट विल कैरी देम. हालेलुया. द ब्रेथ ऑफ हिज नॉस्ट्रल विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ टेम्पेस्ट. हालेलुया. वो एक आंधी बन जाएगा. उसके नथनों के जो श्वास है वो सिर्फ एक शीतल वायु नहीं है. आमेन. इट विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ डेडली टेम्पेस्ट और अ हरिकेन which will blow away the enemy off their feet and nothing will be left. कुछ भी नहीं दिखाई देगा. ये परमेश्वर का मुंह का सांस कार्य कर रहा है. This is what the breath of God does. हालेलुया. दुश्मन को चकनाचूर करने वाला, हवा में उड़ाने वाली है वो. आमेन. आंधी तूफान में उड़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा. They cannot leave behind a single trace of their existence. हालेलुया. हम आगे बढ़ते हैं. हम 59 में चले जाते हैं. वी लुक इन टू 59th चैप्टर, रीड 19 एंड 20. बुक ऑफ आइसाया इटसेल्फ 59:19-20. यशायाह भविष्यद्वक्ता ही पुस्तक है और 59 में से 19 और 20 पढ़ते हैं. तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे. They shall fear the name of the Lord from the west, His glory from the rising of the sun. पूरब से और पश्चिम से, उदयाचल से अस्ताचल तक परमेश्वर, परमेश्वर का भाई लोग परमेश्वर का भाई मानेंगे. People will fear the name of the Lord. परमेश्वर का भाई मानेंगे. Amen. From the end to the end of the earth, एक चोर से दूसरी चोर तक, from one horizon to the other horizon, people will tremble before Him. He will come like a rushing stream with the wind of the Lord drives. Amen. जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा. These are two different translations. मैंने पहले भी अपने आप को याद दिलाया है कि इब्रानी भाषा ऐसा है, कभी कभी उसको ट्रांसलेट करना, उसका अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता. तो अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर की महिमा ऐसे एक तेजी से बहने वाले नदी समान आएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा, ऐसे आएगा और उसको इतना तेज देने वाला परमेश्वर का सांस है. परमेश्वर का श्वास से, परमेश्वर की ओर से फूंका जाने वाले श्वास से यह नदी बहुत शीघ्र गति से और सामर्थ्य से बहेगा और दुश्मन को बहा देगा, ऐसा कहता है. लेकिन हिंदी में ऐसा कहता है, जब दुश्मन ऐसा फ्लड वाटर्स की तरह, ये महानदी की तरह हमें डुबाने के लिए आता है तो परमेश्वर उसके जय का झंडा उड़ाता है. हालेलुया. टू ब्यूटीफुल वर्शंस, दो बहुत सुंदर रीति से अनुवाद है. यहां लिखा है, जब शत्रु महानदी के समान चढ़ाई करेंगे, यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा. आमेन. He will raise a standard against the enemy when it comes like flood waters. When the enemy comes in like a flood, the battle belongs to the Lord. ये महानदी के समान जब दुश्मन आता तब परमेश्वर उसका जय का झंडा फहराता है, लहराता है, दुश्मन खत्म हो जाता है. आमेन. याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, एंड रिडीमर विल कम टू साइन. याकूब में जो अपराध के लिए, अपराध से मन फिराते हैं, उसके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा. एंड रिडीमर विल अपीयर इन साइन टू दोस इन जेकब हु टर्न फ्रॉम ट्रांसग्रेशन. जो सही पश्चाताप करके उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर उसका श्वास भेजेगा, उसके आत्मा के साथ आएगा. द लॉर्ड विल कम विद हिज स्पिरिट, ही विल सेंड हिज स्पिरिट डाउन टू डिलीवर अस. आमेन. आमेन. इवन व्हेन द एनिमी कम्स इन लाइक अ फ्लड, दुश्मन ऐसे नदी समान, महानदी के समान हमारे सामने करे तो भी, हालेलुया, परमेश्वर का सांस आएगा, परमेश्वर का श्वास, परमेश्वर की हवा. हमें परमेश्वर की हवा, परमेश्वर की सांस आएगा. द ब्रेथ ऑफ गॉड विल कम इन आवर एड. हालेलुया. पुश फॉर, पुश बैक. आमेन. द फ्लड वाटर्स. हालेलुया. दुश्मन की महानद को रुका देगा वो. यीशु के नाम में आमेन. आमेन. वहां से वहां आगे बढ़ा हम 61 में नजर डालता.
We look into 61st chapter as well. उसमें से हम अर्थ पढ़ता यीशु कहता Jesus Christ himself is saying this. The Spirit of the Lord is upon me. यहोवा का आत्मा मुझ पर है. यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं. Because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. पिता परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए सुनवाने के लिए किसी को भी अभिषिक्त किया है उसमें पवित्र आत्मा है. Jesus chose us to be his witnesses. उसके गवाह बनने के लिए यीशु ने हमें चुन लिया है. सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है. ये सब अपॉइंटेड अस टू डिक्लेयर द गुड न्यूज टू द वर्ल्ड. सो वी हैव द सेम स्पिरिट इन अस. वही आत्मा मुझ में है और आप में. आमेन. वही आत्मा आपके द्वारा और मेरे द्वारा कार्य करेगा. द सेम ब्रेथ ऑफ गॉड इज इन यू एंड मी हु विल वर्क. आमेन. थ्रू मी एंड यू. हालेलुया. मेरे द्वारा और आपके द्वारा वही आत्मा कार्य करेगा. दीन और दरिद्र को सुसमाचार सुनाने के लिए जो नम्र है और दीन है. Who is lowly and meek, who humbles himself, amen, he will be told the story of salvation. Hallelujah. Usko sunane ke liye bheja hai. This is good news. He has sent me. I have the spirit of the Lord is upon me with all his power and might. Jab ye atma bhej diya jata, sare samarth ke saath, sare bal ke saath bhej diya jata. When he breathed into man, he gave them power and authority. Hallelujah. Ye pavitra atma bhej diya jata, uske saath samarth aur mahima bhi diya jata. Glory descends along with the Holy Ghost. Hallelujah. Glory comes along with the Holy Spirit. Amen. Power and might come along with the Holy Spirit. Samartha aur bal pavitra atma ke saath diya gaya hai. Hallelujah. To proclaim liberty to the captives. Hum aise kaidiyon ko chudane ke liye bal paya hai, samarth paya, adhikar paya. We have got the authority and the power and the might to set the prisoners free in the mighty name of Jesus, because the breath of God is in us. Pavitra atma parameshwar ka swas मुझ में और आप में है, इसलिए मैं अधिकार है. जैसे आदम को अधिकार दिया था राज करने के लिए, प्रभुता करने के लिए, टू हैव डोमिनियन एंड टू रूल ओवर. द लॉर्ड हैज गिवन अस राइट टू सेट द कैप्टिव्स फ्री. आमेन. आमेन. ओपन द प्रेजेंट डोर्स. आमेन. हम इस कारागृह को द्वार को खोलेंगे, अरेगो को आत्मिक रीति से स्वतंत्र करेंगे. विल सेट पीपल स्पिरिचुअली फ्री. विल सेट देम फ्री. हालेलुया. बाय द माइट एंड पावर ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. We have the breath of God. Hallelujah. If you have turned our faces away, may we pray today, breathe upon me, breathe into me, O Lord. Agar maine muh fer kar baitha hai, to main prarthana karunga, Prabhu, mujh mein phook Prabhu, mujh mein aur mujh par phook Prabhu, teri atma samarth lekar aaye. Amen. We look into the book of Ezekiel. यगेजियल भविष्य तक का पुस्तक में चले जाते हैं. उसमें पहले हम 21वें अध्याय में नजर डालते. वी लुक इन टू द 21st चैप्टर और 31-32 पढ़ते हैं. 31-32 यगेजियल 21वें अध्याय 31-32 मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा, तुझ पर अपनी जलजलाहट की आग फूंक दूंगा और तुझे पशु शरीर के मनुष्यों के हाथ कर दूंगा जो नष्ट करने में निपुण है. तू आग का खौर होगी, तेरा खून देश में बना रखेगा, तू स्मरण में ना रहेगी, क्योंकि मुझे यहोवा ही ने ऐसा कहा है. बी वॉर्न्ड ओ एनिमीज ऑफ गॉड. Be warned, O Babylonians. परमेश्वर के दुश्मन लोग कान खोल कर सुन ले. परमेश्वर कहता मैं तेरा न्याय करने वाला हूं. मैं तेरा न्याय करने वाला हूं, ऐसा वो कहता. कैसा करता वो देखो. मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा, तुझ पर अपना जल जलाहट आग फूंक दूंगा. I will blow upon you with the fire of my wrath. The breath of God will transform into a consuming fire. परमेश्वर की जो सांस है
वो अब जला के भस्म करने वाले अग्नि के रूप में प्रकट किया जाएगा। आमेन। वैसा लिखा है, मैं प्रोत को ऐसा भड़काऊंगा, अपने जल जल हट के आग को फूक दूंगा। आई विल ब्लो माई ब्रेथ विच इज ए कंस्यूमिंग फायर ऑन यू, और तुझे पशु शरीर के मनुष्यों के हाथ में कर दूंगा जो नष्ट करने में निपुण है। आई विल हैंड यू ओवर इन टू द हैंड्स ऑफ ब्रूटिश मैन स्किलफुल टू डिस्ट्रॉय। आई विल डिस्ट्रॉय यू, यू शैल बी फ्यूल फॉर द फायर, कहता है। तो आग का खौर बनेगा, तू लकड़ा बनेगा, तू कोयला बनेगा अग्नि के सामने। Thou shall be devoured by the fire of his breath. उसके सांस की जो अग्नि है उसमें तू जलकर राख बनोगी। तेरा खून देश में बना रहेगा। Your blood shall flow in the land. Your blood shall fall in the midst of the land. You shall be no more remembered. For I the Lord has spoken. I have spoken. My breath has gone forth. मेरा श्वास निकल चुका है। Amen. मैंने फूका है मेरे श्वास को, मैंने वचन दिया है, वैसा ही होगी। इसलिए हम दूसरा भजन में पढ़ते हैं, ये दुनिया के राजा लोगों थरथराओ, ट्रेम्बल ये किंग्स ऑफ द अर्थ, ये पावर्स ऑफ डार्कनेस, यू प्रिंसेस ऑफ द इविल वन, हे दुश्मन के प्रचारक हो, हे दुश्मन के जो चला लोग, सुनो, उसके सरदार, दुष्ट के सरदार सुन ले। परमेश्वर के मुंह से यह वचन निकला है, उसका श्वास अग्नि समान फूका जाएगा। यू ब्रीथ द ब्रेथ ऑफ द फायर ऑफ हिज रात। वहां से आगे बढ़ता, बहुत परिचित बात जो 37 से वहां और एक बार चले जाता। वी गो वंस अगेन बैक टू 37th चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर चैप्टर्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट। 37वां अध्याय एजेकियल का, 37वां अध्याय से 3 वचन हम पढ़ते, पहले 5 पढ़ते। परमेश्वर यहोवा तू हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुझ में सांस समाऊंगा और तू जी उठेगी। Thus says the Lord God to these bones, behold I will cause breath to enter you, you shall live. परमेश्वर यहोवा कहता, मुझे ऐसे ये सूखा हड्डी को देखकर कहता, ये लाश समान जीवन को देखकर कहता, ये सूखे पड़े हड्डी को कहता, मैं मेरा श्वास भेजूंगा। आई विल ब्रीथ ऑन यू, आई विल ब्रीथ इन टू यू, यू शैल बी क्विकेंड, तू जीवन पाओगे। आई रिसीव इट इन जीसस नेम, मैं उसको स्वीकारता प्रभु, मैं आमेन कहता प्रभु, मैं आमेन कहता। ई उणंगी अस्थियोड दैवम कल्पिक्कुन्नु, ई नाश्यम नाट्यम अमिक्कुन्न ഈ അസ്ഥി കൂമ്പാരത്തോട് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ ഊതുമെന്ന്, ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ഊതുമെന്ന്, ഞാൻ നിന്നിലോട്ട് എന്റെ ശ്വാസം പായിക്കുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്, ഞാൻ ജീവൻ പ്രാപിക്കുമെന്ന് അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ആമേൻ പറയുന്നു. ഐ സേ ആമേൻ ടു ഇറ്റ്, ഐ സേ ആമേൻ ടു ഇറ്റ്, ബ്രീത്ത് ഇറ്റ് ടു മീ, ബ്രീത്ത് അപ്പോൺ മീ ദിസ് ഡ്രൈ ബോൺസ്, ആമേൻ, ദിസ് സ്റ്റിങ്കിംഗ് ലൈഫ് ഓഫ് മൈൻ, ഈ ബദ്ബൂക്കുന്ന വലിയ ജീവൻ മേ തൂ ഫൂക് പ്രഭു, തൂ ഫൂക്, മേ ജീവൻ പാവുങ്ക, तो जीवित होएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता। मैं आमीन कहूंगा। उसका नौवां वचन ऐसा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, यू मैन ऑफ गॉड हु हैज गॉट द ब्रेथ ऑफ गॉड इन यू, यू विल प्रोफेसाई टू द ब्रेथ, प्रोफेसाई सन ऑफ मैन, से टू द ब्रेथ, दस सेज द लॉर्ड गॉड, कम फ्रॉम द फोर विंड्स ऑफ ब्रेथ एंड ब्रीथ ऑन दी स्लेन दैट दे मे लिव। हालेलुया, हे मेरे दास, तुझ में मेरा सांस है, यू हैव माय ब्रेथ इन यू, आई हैव ब्रीथ इन टू यू, नाउ यू हैव अथॉरिटी टू स्पीक, आमेन, टू द ब्रेथ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड टू ब्लो ऑन दिस ड्राई बॉन्ड्स। कलीसिया बांधने के लिए हमें सहकर्मी के रूप में यीशु ने चुन लिया है। वी हैव बीन चोसन एज कोवर्कर्स, एज कोलैबोरेटर्स विद क्राइस्ट जीसस, चोसन बाय जीसस क्राइस्ट द मास्टर बिल्डर। हालेलुया, प्रधान शिल्पी जो यीशु क्रिस्त स्वयं है, उसके द्वारा चुन लिया गया हम है, हम शिल्पियां हैं उसके संग है, हमें अधिकार दिया यह कलीसिया को उसके साथ मिलकर बांधने के लिए। प्रभु कहता है प्रोफेसाई, हालेलुया, आयु की तरह मैं भी कहता, सही शब्द मेरे मुंह से निकलेगा, आई एम, हालेलुया,
I like Job will speak the right word that will create and recreate. Hallelujah. Srijayega puna nirman karega. Hallelujah. Hawa bahege. Let there be a revival in the church of God. Parameshwar ki kalisya me jagriti ki hawa fukha jaya. Let God breathe the wind of revival into our congregations, into our families, into this wretched life of mine. Mere jeevan me ye hawa fukhi de prabhu. बताता मैं मुंह खोल कर विनती करता. आई स्पीक विद माई माउथ, लेट द ब्रेथ ऑफ गॉड बी ब्रीथ्ड. परमेश्वर का सांस फूंका जाए इनटू दिस लाइफ ऑफ माइन, इनटू माय फैमिली, इनटू माय कॉन्ग्रीगेशन, इनटू द चर्च ऑफ गॉड. परमेश्वर की कलीसिया में फूंका जाए. यहोवे निन्ने जीव श्वास समुद्र में निन्ने काचे आए खेल में उन्होंने निन्ने काचे वीशन में योनमे आस्तीन में वीशन में एंडे कुटुंबतिल वीशन में एंडे सभी वीशन में ऐसे करता विंदे रक्त Son of man, prophesy to the winds that it may blow, that the wind may blow, that he may blow on these dry bones, on these dry bones. Hallelujah. That they may live, breathe on these slain. Ye mare hue ke upar phook de prabhu. कि वो लोग जीवन पाए, वे बल से कड़े हो जाए. हमें दसवां वचन भी हम पढ़ते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यद्वाणी की. Thou shalt speak the right word, thou shalt prophesy. Hallelujah. 20 तारीख को होने वाली घटना के बारे में बोलना सिर्फ भविष्यद्वाणी नहीं है. It's not about foretelling what will happen on the 20th. It's not that. It's much more than that. You speak the word. Let there be a revival in my life. Let there be a revival in my congregation. Let there be a revival in my family. Let there be a revival in the church of God, the universal church of God. Hallelujah. ये सारे लोग कलीसिया में हैं. ऐसे जागृति आए, मेरे झुंड में आए, मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए. Hallelujah. आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यद्वाणी की, श्वास उनमें आ गया. Amen. The breath came into them. They lived and stood on their feet, an exceedingly great army. हमने पिछले बार पढ़ा, थोड़ा समय पहले पढ़ा, परमेश्वर अपना श्वास फूंकता है जब दुश्मन लाइक ए बाढ़ के समान आता है. When the enemy comes like flood, he blows his breath. Amen. Now we know his breath causes the dry bones to be quickened and to stand up as a mighty army against the enemy. दुश्मन के विरोध में कड़ा रहने के लिए एक सेना तैयार किया जाता ऐसे सूखी पड़ी हड्डियों से. हमें सूखा पड़ा हड्डियों से एक सेना तैयार किया जाता दुश्मन को लौटाने के लिए. हमें विल ड्राइव द एनिमी बैक, पुश द हार्ड, दुश्मन को दबाकर पीछे हटाने के लिए ये हवा बहाया जाएगा, एक सेना तैयार किया जाएगा. हालेलुया. The army of God will be ready. इसलिए हमने पहले पढ़ा, He will raise up a standard. This army has the banner of victory in their hand, which will be unfurled. Amen. सत्य के कारण, because of the truth that is the captain of this army. Amen. ये सेना के जो कर्ता है, कैप्टन है, वो यीशु ख्रिस्त है, वो सत्य है. He said, I am the truth. And because of truth, hallelujah, I will hoist this banner of victory. Ye satya ke karan, hallelujah, he is the source of this breath. Ye swas ka srod wo hai, satya hai, sanatan satya hai, everlasting truth is he. Because of him, I will unfold, amen, and I will hoist this banner of victory. ये विजय की झंडा, ये जीत की झंडा मैं पहराऊंगा, मैं ऊंचे उठाऊंगा, क्योंकि मेरा कैप्टन इज द ट्रूथ. आमेन. हिज ब्रेथ हैज मेड मी ए माइटी सोल्जियर, ए माइटी वॉरियर. उसका श्वास ने मुझे एक वीर योद्धा बनाया है. हालेलुया. जय का झंडा फहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे. द
His army will march forth. Amen. ये सेना आगे बढ़ेगा जय के झंडा लगाते हुए, because of the breath of God. Hallelujah. हम आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर का श्वास है. Amen. The breath of God will drive us along all the way from victory to victory. Amen. जय से जय की ओर, जीत से जीत पाकर हम आगे बढ़ेंगे यीशु के अद्भुत नाम में. अमेन अमेन. यूरानियम से विदा रहने से पहले हमें योवेल के पुस्तक में नजर डालना. योवेल को ढूंढने में समय लगता. योवेल का पुस्तक द बुक ऑफ जॉयल चैप्टर 2:28-29 उसमें ऐसा है क्या मुझे बतानी, पहले मुझे वो देखने दी. थैंक गॉड अपेरेंटली इज देयर. तो हम पढ़ते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ जॉयल चैप्टर 2:28-29 योयल का पुस्तक. उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडे लूंगा. It shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Hallelujah. उसकी आत्मा फूक दिया जाएगा. सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडे लूंगा. He will breathe on every flesh, all flesh. I will pour out my spirit on all flesh. मेरे आत्मा उंडे लूंगा, तुम्हारे बेटे को पर बेटियों के ऊपर मैं उंडे लूंगा और भविष्यद्वाणी करेंगे. Your sons and your daughters will speak the right word. They shall prophesy. They shall become the oracles of God. परमेश्वर के वक्ता बनेंगे हमारी संतान. और एक बार, गालियां नहीं, गलत शब्द नहीं, बलवा करने की शब्द नहीं. Not a voice of rebellion, not a word, a bad word, not swearing. Not negative utterance, not words of disobedience. नहीं होएगा. Amen. पवित्र शब्द निकलेगा, जीवन देने वाले शब्द निकलेगा. Amen. Life giving words will they utter. They shall prophesy. Our children shall prophesy. Hallelujah. Like olive shoots around thy table shall be thy children. तेरे मेज के चारों ओर ऐसे जैतून वृक्ष के पौधे जैसे तेरे संतान बने रहेंगे. स्पीकिंग रिसीविंग द राइट काउंसल एंड स्पीकिंग द राइट वर्ड. सही सलाह पाकर सही शब्द बोलने वाले होंगे. सन्स एंड डॉटर्स शैल प्रोफेसाई. ओल्ड मैन शैल ड्रीम ड्रीम्स. हालेलुया. दोबारा वो लोग सपना देखेंगे. प्राचीन लोग सपना देखेंगे. दे शैल हैव ड्रीम्स एंड प्लान्स. हालेलुया. दे शैल ड्रीम इन द लॉर्ड. परमेश्वर में वो सपना ये देखेंगे दोबारा, अपने भविष्य के बारे में, अपने संतान के भविष्य के बारे में. अभी चिंतित नहीं रहेगा. दे शैल नॉट बी ओवर concerned about the future of their children. They shall dream big dreams concerning them. Hallelujah ka vishay mein mahaan sapna dekhenge. Hallelujah kalisya ka vishay mein mahaan sapna dekhenge. They will dream great dreams about the church of God. Hallelujah. Young men shall see visions. Hallelujah. It will not be reserved for only the oldies. Budde logon ke liye nahi hai. Humne ayub ke pustak mein padha hai, budda hone ki zarurat nahi hai. Buddhiman hone ke liye budda hone ki zarurat nahi hai. Swargiya darshan prapt karne ke liye, samajhdari प्राप्त करने के लिए 120 वर्ष तक जीने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू बी अ 120 ईयर ओल्ड मैन टू हैव द विजडम ऑफ गॉड और द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अबव और डिसर्नमेंट. उसके लिए कोई जरूरत नहीं है. जवान लोग प्राप्त करेंगे. हालेलुया. आंधी समय तो ज्ञानूदम एंड आत्मावन ज्ञानूदम. हालेलुया. എല്ലാവരുടെ മേലും സകല ജനത്തിന്റെ മേലും ഞാൻ എന്റെ കാറ്റിനെ വീശും. ഹാലലുയ. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും അവിടെ ഇവിടെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവരാകിയില്ല. അനുസരണക്കാരന്റെ വാക്കുകൾ അവരിൽ നിന്ന് വരികയില്ല. മത്സരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അവരിൽ നിന്ന് വരികയില്ല. ഹാലലുയ. അവർ സത്യം സംസാരിക്കും. ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവന്റെ ആത്മാവ് എന്നിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഹാലലുയ ഞാൻ കപടമായത് പറയുകയില്ല. ഞാൻ വ്യാജം സംസാരിക്കുകയില്ല. അവർ അസത്യം പറയുകയില്ല. അവർ കള്ളം പറയുകയില്ല. അവർ സത്യം സംസാരിക്കും. അവർ ദൈവവചനം ഘോഷിക്കും. അനേകർ ജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജീവന്റെ വചനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. അമേൻ അമേൻ. നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. അവർ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവരാധിപ്പെട്ടു നടക്കുകയില്ല. അവരെ കുറിച്ച് മനോഹരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ അവർ കാണട്ടെ. ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് മനോഹരമായ പദ്ധതികൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ രൂപം കൊള്ളട്ടെ. ഹാലലുയ. ചെറുപ്പക്കാരും അവർ വൃദ്ധന്മാരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങളെ പ്രാപിക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ ജ്ഞാനമുള്ള ഹൃദയം പ്രാപിക്കും. ഹാലലുയ. ഓരോ കാകെ പെടേ പരമേശ്വർ സേ ഹമേ ബോധായ സേ ജീവൻ പായേ
स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करेंगे. दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड. तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा उंडेल दूंगा. इवन ऑन द मेल एंड द फीमेल सर्वेंट्स इन दोस डेज आई विल पोर आउट माय स्पिरिट. ही सेस मैं फूकूंगा. आई विल ब्लो हालेलुया माय स्पिरिट माय ब्रेथ विल ब्लो ऑन इवन योर सर्वेंट्स ऑल दोस हु कम अंडर यू ऑल दोस हु कम अंडर यू ऑल दोस हु कम सीकिंग फॉर अ काउंसिल. जो तुम्हारे पास उपदेश के लिए आते प्रार्थना के लिए आते उनके ऊपर भी मैं आत्मा को उंडेल दूंगा. ये परमेश्वर की वायदा है उसको मैं मजबूती से पकड़ लेता हूं. ही विल ब्लो ऑन अस and all our people, all those who are committed, we commit into His hand. हम जो परमेश्वर के हाथ में सौंप देते उसके ऊपर भी हालेलुया उसका हवा उसका 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 श्वास फूक दिया जाएगा. वो लोग भी जीवन पाएंगे आत्मिक जीवन पाएंगे स्वर्गीय जीवन पाएंगे. They shall receive life abundant, heavenly life, everlasting life in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में ये संभव है. हम परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाते हालेलुया. Breathe upon me, O Lord. Breathe into my people. मेरे ऊपर फूक प्रभु मेरे लोगों के ऊपर फूक प्रभु तेरी कलीसिया में फूक. यीशु के नाम में आमेन आमेन. God bless.